हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लैंड लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे सेट एंड रिलेशन का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न भी देखते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो 1000 पीपल्स हैं एंड उसमें 750 क्या हैं वो हिंदी बोलते हैं, दे स्पीक्स इन हिंदी, एंड 400 पीपल्स हु स्पीक्स इन बंगाली। देन वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मनी स्पीक्स हिंदी ओनली एंड हाउ मनी स्पीक्स बंगाली ओनली। तो हमें ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, और थर्ड इसमें जो फाइंड करना है हाउ मनी पर्सन्स हु स्पीक्स बोथ लैंग्वेज, दैट हिंदी एंड बंगाली। नाउ ऑब्वियसली है इसमें तीन गिवन डाटा है। तो हमें गिवन कंडीशंस क्या किया है कि दैट इज टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हैं, टोटल पीपल जो हैं आपके 1000 हैं, एंड द हिंदी स्पीकिंग जो हैं हमने वो जो पर्सन है दैट इज 750 पर्सन्स हैं, ये पीपल्स हैं। नाउ दोज हु स्पीक्स बंगाली They are 400 peoples. Now, इस questions को हम Venn diagram के through solve करेंगे। Now, Venn diagrams through solve करने के लिए हमें सबको पता है कि sets को तो हम circle के through represent करते हैं। तो हमने एक set A लिया, एक set B लिया, ठीक है। जो set A लिया वो मैंने वो set लिया जो हिंदी speaking है, जो हिंदी बोलते हैं, और इसे हम S से show कर रहे हैं। Now, एक दूसरा सेट है जिसमें क्या आते हैं जो बंगाली बोलते हैं, उसका मैंने एक सेट लिया हुआ है, ठीक है, बी सेट लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली है मैंने यहाँ पे एक एच और बी से डिफाइन किया है दो सेट्स को। इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या रीजन मेथड और बाय फॉर्मूला मेथड। हम दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे। नाउ सपोज आपके पास एक सेट है, सेट एच एंड सेट बी, और ये एक यूनिवर्सल सेट है ना। आपको मैंने बताया था जब सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कितने रीजंस इसमें कंसिडर किए जाते हैं। अगर दो सेट हैं तो इसमें आपको 4 रीजंस देंगे, रीजन 1, रीजन बी, रीजन सी एंड ये रीजन डी। ना ऑब्वियसली है दे आर हिंदी स्पीकिंग जो है 750 है, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज एन ऑफ एच दैट आर 750, और इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, रीजन है जिसमें क्या है दो पर्सन आर स्पीकिंग इन हिंदी। नाउ द सेकंड वन इज, जो सेकंड डाटा दिया है दैट इज बंगाली स्पीकिंग, देयर आर 400 पीपल्स, और इसमें जो मैंने डिनोट किया सेट को वो बी से डिनोट किया, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 400। तो अगर देखेंगे कौन सा रीजन इसमें आएगा, बी और सी रीजन आ रहा है, बी और सी रीजन आ रहा है। Now, the total peoples are, the total peoples, यानी सारे peoples जो हैं वो बोलते हैं कुछ ना कुछ language, तो obviously है that is A plus B, यानी जो आपका जो 1000 given है, that is 1000 जो given है, that is A union B given है, that is A union B, and the A union B is equal to 1000 peoples, and those can defined by the A plus B plus C. Now, हम इसे दो method से solve करेंगे, आप देखिएगा। ना मेथड वन, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि दोज स्पीक हिंदी, हिंदी सिर्फ बोलते हो, तो हिंदी बोलने का रीजन क्या है, रीजन वन है, यानी कहते हैं रीजन ए है, या आप ये भी कह सकते हैं दैट इज हम इसे और भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं इस रीजन को और भी, हम कैसे हमने डिफाइंड किया था दैट इज एच माइनस बी से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। नाउ दोज स्पीक बंगाली, बंगाली बोलने वाले, तो बंगाली बोलने वाले देखिए कौन कौन से हैं, यानी सिर्फ जो कौन से होंगे दैट्स रीजन सी है, ठीक है, या आप कह सकते हैं इट इज बी माइनस एच। और जो दोनों बोलते हैं, दोनों बोथ लैंग्वेज बोलेंगे, वो रीजन कौन सा है, वो रीजन बी है, और आप यह कह सकते हैं दैट इज A इंटरसेक्शन, सॉरी H इंटरसेक्शन B, ये है। तो मैंने यहां पे कौन सा रीजन फाइंड करना है वो भी मैंने मेंशन कर दिया, या आप फॉर्मूला मेथड से यूज करेंगे तो H माइनस B का यूज करेंगे, A माइनस B फाइंड करेंगे। नाउ
अगर जो सिर्फ बंगाली जो बोलने वाले वो कौन सा रीज़न है, सिर्फ सी रीज़न है। और इसके अगर मेथड देखेंगे तो बी माइनस एच यानी ये वाला ग्राफ, ये वाले रीज़न आते हैं। नाउ अगर हम फार्मूला मेथड से यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है ए रीज़न यानी एच माइनस बी, ठीक है, या ए माइनस बी जो पहले हमने सेट्स के लिए यूज़ किया था। नाउ एच माइनस बी आपको मिलेगा कैसे, यानी होल ऑफ एच माइनस दैट इज एच इंटरसेक्शन बी सेट, क्लियर। नाउ एन ऑफ एच यानी आपके पास गिवन है, एन ऑफ एच आपके पास गिवन है और ए यूनियन बी गिवन है आपके पास, तो सबसे पहले एच इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। इसे मैं करेक्ट कर लेता हूं, दैट इज एच यूनियन बी कह लेते हैं, क्लियर। तो एच यूनियन बी का अगर देखेंगे, एच यूनियन बी का तो हम लिख सकते हैं दैट इज एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए एच इंटरसेक्शन बी, क्लियर। नाउ एन ऑफ एच हमारे पास गिवन है वो कितना है, दैट इज 750। एन ऑफ बी कितना गिवन है, हमारे पास गिवन है दैट इज 400। एंड ए एच यूनियन बी हमारे पास गिवन है वो कितना है, 1000 है। और इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो हम यहाँ से इजिली हम कैलकुलेट कर लेंगे। ना अगर इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मिलेगा, देखिए आपके जो एडिशन होके मिलेंगे दैट इज आपका आएगा 1150 आएगा, क्लियर, 1150 ऐड होगा माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो एच इंटरसेक्शन बी जो है आपका यानी जो कॉमन पोर्शन जो जो बोथ स्पीकिंग है यानी बंगाली भी और हिंदी भी, तो रीज़न आपको मिल जाएगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 माइनस 1150, वो है आपका 150 पीपल्स। यानी जो हमारा जो थर्ड केस था, जो आपका जो थर्ड केस है यानी बोथ लैंग्वेज भी स्पीक करते हैं यानी दैट इज हिंदी एंड बंगाली, वो कितने पर्सन है, दैट इज 150 पर्सन है। यानी हमारा पहला आंसर हमें मिल गया। नाउ अब हमें और क्या फाइंड करना है, रीज़न ए एंड रीज़न बी। ना रीज़न ए में हमारे देखेंगे हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, ये आपको एक कैलकुलेट करना है। तो ए एच इंटरसेक्शन बी हमें मिल चुका है और एन ऑफ एच हमें पता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दैट इज एच माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ एच हमारे पास कितना है, दैट इज 750 माइनस एच ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों लैंग्वेज में जो बात करते हैं यानी बोथ हिंदी एंड बंगाली जो कितने पर्सन हैं, 150 हैं, तो 150 यहाँ से ले लेंगे, ये आएगा दैट इज 600 पीपल्स। तो जो जो ऐसे पर्सन जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो कौन से हैं, दैट इज एच माइनस बी, और ये कौन से हैं, हिंदी स्पीकिंग ओनली, क्लियर। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ बी माइनस एच, बी माइनस एच की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो बी माइनस एच क्या होगा आपका, दैट इज एन ऑफ बी माइनस दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी, क्लियर। नाउ एन ऑफ बी यानी क्या, ऐसे पर्सन जो सिर्फ कहते हैं बंगाली बोलते हैं वो कितने पर्सन हैं, 400 पीपल्स हैं, तो आपके 400 आ गए, ठीक है। जो ऐसे पर्सन जो बोथ लैंग्वेज बोलते हैं वो कितने हैं, हमने पहले ही फाइंड किया दैट इज 150, यानी आपका 150 आ गया। नाउ व्हाट्स योर आंसर, आपका आ जाएगा दैट इज 250 पीपल्स। तो आपके पास तीनों आपके पास मिल गया, रीज़न कौन कौन से थे, पहले तो एच माइनस बी हमने कैलकुलेट किया था, ऐसे पर्सन जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो यहाँ से हमारा निकल जाएगा दैट इज 600 पीपल्स। ना ऐसे पर्सन जो बंगाली सिर्फ बोलते हैं वो एच माइनस बी माइनस एच निकालना था, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये क्या रहा था, 250 पीपल्स थे। ना ऐसे पीपल्स जो बोथ लैंग्वेज में स्पीक करते हैं दैट इज बंगाली एंड हिंदी, जो हमने यहाँ पे एच इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट किया था, वो कौन सा पर्सन कितने पर्सन थे, दैट इज 150। नाउ ये तीनों वैल्यूज मैंने एज पर फॉर्मूला बेस्ड मैंने कैलकुलेट किया है। नाउ इसी क्वेश्चंस को अगर मेथड टू से सॉल्व करेंगे यानी रीजन बेस्ड पर कैलकुलेट करेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ देखेंगे सेकंड मेथड, सेकंड मेथड एक बार देखते हैं। देखिए हमें कैलकुलेट करना है रीजन ए बी एंड सी, तीन रीजन कैलकुलेट करने हैं। नाउ हमारे पास बताया दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या है, 1000 है, और हमारे पास गिवन है दैट इज बी प्लस सी, हमारे पास रीजन गिवन है 2 400 हैं,
ठीक है, यानी जो बंगाली भी बोलता है, सिर्फ बंगाली बोलते हैं, यानी जो बंगाली बोलते हैं वो 400 हैं पीपल्स, जो हिंदी बोलते हैं वो हमारे पास कितने हैं, दैट इज ए प्लस बी रीजन, वो क्या होगा 750। ठीक है, तो ये पोर्शन, ये जो आपका कर्व है, ये जो आपका सेट है, ये सेट एच है जो हिंदी बोलते हैं, और ये जो सेट है ये बंगाली बोलते हैं, और बी रीजन है वो रीजन जो बोथ लैंग्वेज में बोलते हैं। ना अगर इसमें देखेंगे तो आपको फाइंड करना है सबसे पहले रीजन सी, तो रीजन सी इजीली मिल जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, देखिए आपके पास तीन इक्वेशन है और हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो आप इजीली यूज कर लेंगे। ना सपोज अगर फर्स्ट और सेकंड का आप यूज करेंगे तो देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 400 है, तो हम लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू 1000, तो दैट इज ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600। यानी ऐसे पर्सन जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो कितने हैं 600, जो पहले भी हमारा ऑप्शंस आ रहा था एज पर एच माइनस बी। नाउ अगर सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को लेंगे एक साथ, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेंगे, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1000 है और ए प्लस बी क्या है 750 है, तो आपको यहां से सी मिल जाएगा, दैट इज सी इज इक्वल टू 1000 माइनस 750, वो आपका आएगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 250 पीपल्स। क्लियर, यानी रीजन सी वो रीजन जो सिर्फ बंगाली बोलते हैं, ओनली बंगाली बोलते हैं, वो इसका आंसर क्या है 250। इसलिए हमने पहले भी कैलकुलेट किया था यहाँ पे, दैट इज बी माइनस एच कितने थे 250, वो इक्वल यहाँ पे आ गया सिंपल मेथड से। ना अब हमें कैलकुलेट करना है बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी जो बोथ लैंग्वेज में स्पीक करते हैं, यानी द वैल्यू ऑफ बी कैलकुलेट करना है। नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड का यूज करेंगे। देखिए अगर इक्वेशन जो सेकंड है वो बी प्लस सी जो है आपका 400 है, एंड ए प्लस बी जो है आपका कितना है 750 है। अगर आप इनको ऐड करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू, अगर ऐड करेंगे इसको तो 1150 होगा। नाउ एक्चुअली इक्वेशन फर्स्ट हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 1000 है, तो ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 प्लस बी इज इक्वल टू 1150, तो हम डायरेक्टली यहाँ बी की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 150, जो इजिली हमने पहले भी कैलकुलेट किया, दैट इज एच माइनस बी इंटरसेक्शंस। क्लियर, यानी हमने दो मेथड से सॉल्व किया, एक रीजन मेथड से सॉल्व किया, एक फॉर्मूला बेस्ड आप यूज कर सकते हैं, जो आपको इजीएस्ट मेथड लगे वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड, जो पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आईआईटीज में। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन से पूछे गए हैं कि कुछ टाउन्स हैं जिस टाउन्स पे जो 25% जो मेंबर्स हैं फैमिलीज हैं दोज हैविंग अ फोन, जिनके पास फोन प्रेजेंट है। नाउ 50% ऐसे जो मेंबर्स हैं जिनके पास सिर्फ कार है। नाउ 65% ऐसे फैमिलीज हैं दोज हैविंग नाइदर अ फोन और कार, यानी उनके पास ना ही फोन है ना ही कार है। नाउ 200 पीपल्स यानी फैमिलीज जो हैं ऐसे हैं जो दोनों ही कार और फोन प्रेजेंट हैं। आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक बार चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने हैं। कंडीशंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि 5% फैमिलीज हैविंग बोथ कार एंड फोन, 35 फैमिलीज हैविंग नाइदर अ कार एंड फोन, एंड दैट इज 40,000 फैमिलीज लिव इन द टाउन। ये तीन आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एज पर द स्टेटमेंट्स कितने स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। नो ऑब्वियसली है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें दो सेट्स का यूज किया गया है, किसी टाउन में कुछ फैमिलीज के पास फोन है और कुछ फैमिलीज के पास कार है। यानी आप गिवन कंडीशंस में, अगर गिवन कंडीशंस देखेंगे तो गिवन कंडीशंस में आपके पास एन ऑफ ए जो दिया हुआ है, यानी ऐसी फैमिली जिनके पास फोन है, अगर फोन को मैं डिफाइन करूं सेट ए से, तो वो दिया हुआ है दैट इज 25%। ठीक है, और उसके पास ऐसे फैमिली जिनके पास आपके कार रखे हैं, यानी सेट बी है दैट इज एन ऑफ बी मैं डिफाइन करूंगा, वो है कितने 15%। क्लियर, नाउ एक बार हम सेट ड्रॉ करते हैं उसके बाद हम ऑप्शंस पे चलेंगे। क्लियर, नाउ हम सेट एक बनाते हैं, सेट ए एंड एक सेट बी। सेट ए को हमने ए से डिफाइन किया जिसमें
फोन्स के लिए हमने सेट ले लिया है और दूसरा जो है कार बेस्ड एक सेट लिया हो जिसे मैंने बी से डिफाइन किया है, ठीक है, और मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया है इस तरह से। अब इसमें ऑब्वियसली है, जब भी हम दो सेट की बात करेंगे तो कितने रीजन्स आएंगे आपके, चार रीजन्स आएंगे, एक दो तीन एंड दिस वन फोर, चार रीजन्स हैं। ना अगर बात करेंगे तो गिवन कंडीशंस में, यानी आपके पास 25% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास फ़ोन है, 15% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास कार है, और 65% ऐसे फैमिलीज हैं दैट डोंट हैव अदर कार एंड अ फोन, यानी दोनों ही ऑप्शंस नहीं हैं। ऑब्वियसली है एज पर द गिवन कंडीशन जो गिवन दिया हुआ है, दैट इज ए यूनियन बी बार दिया हुआ है, जिनके है 65% है। ना उसके बाद जो कंडीशन दिया है दैट इज 200 फैमिलीज, यानी 2000 फैमिलीज के पास बोथ कार एंड फोन है। तो पहले आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 5% फैमिलीज हैव बोथ कार एंड फोन, यानी आपको जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, यानी जो कॉमन पॉइंट है या कॉमन रीजन है, वो रीजन बी है, यानी ऐसे रीजन जो दोनों ही कार और फोन दोनों के पास प्रेजेंट है, वो कितने 5% है। तो ऑब्वियसली है मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ऐसा मैंने एक अज्यूम कर लिया कि 100% फैमिलीज प्रेजेंट है, 100% फैमिलीज प्रेजेंट है। अगर 100% फैमिलीज टोटल प्रेजेंट है इस सेट्स में, यूनिवर्स में, यानी यूनिवर्स है ये, क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है जिसमें 100% फैमिलीज प्रेजेंट है, और सेट ए में यानी जिनके पास फोन है वो ए प्लस बी रीजन है, वो कितने हैं 25% है। जिनके पास कार है वो कितने हैं 15% है, रीजन बी प्लस सी है। तो ऑब्वियसली है हमें कैलकुलेट करना है रीजन बी कैलकुलेट करना है। तो रीजन बी कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपके पास गिवन कंडीशन है दैट इज ए यूनियन बी बार इज इक्वल टू 65%, और आपको पता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी क्या होता है, दैट इज ए यूनियन बी बार। ना ऑब्वियसली है आपको पता है, आपको ए यूनियन बी की वैल्यू नहीं पता है, पर आपको पता है दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस टर्म्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ऑब्वियसली है एज पर गिवन कंडीशंस आपको पता है, मैंने अज्यूम कर लिया था यूनिवर्सल जो फैमिलीज है कितने हैं 100% है, एन ऑफ ए एज पर गिवन कंडीशंस कितने 25%, तो मैंने 25 लिख लेता हूँ। जो फैमिली जिनके पास कार है यानी सेट बी में ऐसे कितने हैं, वो है आपके 15% माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ना कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास गिवन था ये ए यूनियन बी बार का दैट इज 65%, या हम इसे ऐसे काउंट लिख सकते हैं। ना ये सॉल्व करें तो 100 माइनस ये आपके 40 हो जाएंगे, एंड दिस माइनस माइनस बिकम प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। ना आपके पास ये आपका 60 हो जाएगा, इनके सब्ट्रैक्ट करने के बाद 60 हो जाएगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास ए इंटरसेक्शन बी है, यानी ऐसे लोग ऐसे फैमिली जिनके पास बोथ कार एंड फोन है कितने हैं 5% है, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है सही है, पहला स्टेटमेंट एज पर सॉल्व जो किया है वो सही है। नाउ दूसरा स्टेटमेंट को एक बार देखने की कोशिश करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट के लिए मुझे यहाँ पे रब करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो दूसरा स्टेटमेंट एक बार देखने की कोशिश करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या है दैट इज 35% फैमिलीज हैविंग नाइदर आइदर हैविंग कार और अ फोन। तो ऐसे 35% फैमिलीज है जिनके पास आइदर कार है और फोन है, ऐसे 35% है। तो ये देखते हैं 35% ऐसे कौन से हैं। तो 35% कहने का मतलब है दैट इज ए यूनियन बी, दैट इज ए यूनियन बी कह रहा है, ठीक है, उनके पास कार भी है फोन भी है, तो हमें 35% ये है, ये हमें प्रूफ करना है। इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था ए इंटरसेक्शन बी दैट इज जो कॉमन पॉइंट है जिनके पास कार और फोन है दोनों के पास, वो कितने थे 5% थे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का हम लिख सकते हैं दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर।
एन ऑफ ए यानी ऐसे पर्सन जिनके ऐसे फैमिली जिनके पास सिर्फ का फोन थे वो कितने थे 25% थे 25 और ऐसे फैमिली जिनके पास कार थे वो कितने थे 15 और इससे पहले अभी हमने कैलकुलेट किया कि ऐसे कितने पर्सन थे जिनके पास दोनों कॉमन थे कितने थे 5% तो देखेंगे यहाँ पे आपका आ गया 5 में यहाँ पे 10 गया तो आपका यहाँ पे 35% आ गया यानी यहाँ पे जो दिया 35% जिनके पास कार और फोन दोनों ही हैं वो 35% था दैट इज ए यूनियन बी हमारे से यहाँ पे प्रूव हो गया इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट सही है यानी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है अब थर्ड स्टेटमेंट हमें निकालना पड़ेगा ये सही है गलत एक बार चेक करेंगे चेक करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा दैट इज 40,000 फैमिलीज लिव इन द टाउन यानी टोटल लिव जो कर रहे हैं यानी टोटल कितने हैं डी की टोटल ए प्लस बी प्लस सी टोटल फैमिलीज कितने प्रेजेंट है 40,000 है यानी आपको यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है यानी यूनिवर्सल में यूनिवर्स में कितने फैमिलीज प्रेजेंट है आपको फाइंड करना होगा तो मैं इसे रब करता हूं नो ऑब्वियसली है यहां पे आपके पहले भी गिवन कंडीशंस गिवन थे दैट इज आपने अज्यूम किया था दैट इज यूनिवर्सल सेट जो था आपका कितना था 100% था क्लियर ना आपको पता है एज पर गिवन कि ऐसे कितने फैमिलीज हैं जो कहते हैं बोथ कार एंड फोन प्रेजेंट थे यानी ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 2000 फैमिलीज हैं और इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था कि ए इंटरसेक्शन बी ऐसे कितने फैमिलीज हैं जो कार और फोन जो प्रेजेंट हैं वो टोटल कितने थे 5% थे हमारे यहाँ पर कंडीशन फॉलो हुई थी यानी डेट इज 5% तो हम निकाल सकते हैं 5% ऑफ एक्स यानी टोटल फैमिलीज इज इक्वल टू कितने थे 2000 थे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर x जो है टोटल फैमिलीज अगर कंसिडर कर लें तो अगर यहां पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 तो अगर यहां से कट कैंसिल आउट करें तो ये आपका 20 हो जाएगा और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 कैलकुलेट हो जाएगा यानी टोटल फैमिली जो हो रही 40,000 है ये भी प्रूव हो गया यानी तीनों स्टेटमेंट जो थे वो सही हैं और तीनों स्टेटमेंट सही है वो करेक्ट आंसर क्या है दैट इज ऑल ओनली ए बी एंड सी आर करेक्ट यानी सारे सही है यानी ऑप्शन आपके क्या है दैट इज फोर्थ ऑप्शन है क्लियर तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी कुछ डाटा गिवन होंगे और कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे स्टेटमेंट दोज आर दी बेस्ड ऑन दी क्वेश्चंस और वो स्टेटमेंट सही या गलत हैं वो ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं तो ये भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आईआईटीज में एक बार रेफर करिएगा नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेट्स के रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक पी सेट दिया हुआ है जिसमें लिया है दैट इज थीटा इज अ एलिमेंट सच दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा क्लियर एक और सेट दिया हुआ दैट इज बी इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज द एलिमेंट ऑफ क्यू सच दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू साइन थीटा अब देखेंगे ऑप्शन दिए हैं आपके पास दैट इज पी इज द सेट ऑफ क्यू और क्यू माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5 यानी नल है और आपका जो क्यू और पी दोनों इक्वल नहीं है पी और क्यू इक्वल सेट्स हैं और आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है कि दोनों सेट नहीं है एक दूसरे के नाउ एक बार फाइंड करेंगे देखेंगे क्वेश्चंस को अगर देखेंगे पी के सेट्स में दिया दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा एक बार इसे सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं या इक्वल टू क्यू के बराबर होता है या नहीं ना अगर सॉल्व करेंगे तो एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा क्लियर और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा आप एक सिंपल करिए टू कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए ठीक है और इसको राइट हैंड साइड में भेजिए अगर ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा ठीक है ये आएगा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आपको मिलेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्लियर मैंने राइट हैंड साइड में भेजा इसे तो टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा। नाउ ऑब्वियसली है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें पहले भी पता थी, वो कितना था अंडर रूट टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू गिवन थी अंडर रूट टू कॉस थीटा, यानी इसकी वैल्यू हम लिखेंगे अंडर रूट टू कॉस थीटा और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। इसे एक बार सिंप्लीफाई करते हैं तो लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं इसे नीचे ले जाता हूँ डिनोमीटर्स में, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये डिनोमीटर्स में ले जा रहा हूँ तो लिखेंगे अंडर रूट टू कॉस थीटा और ये कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट होगा तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट टू साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर। तो आप यहाँ देखेंगे P और Q की वैल्यू दोनों ही क्या है सेम आ रही है, यानी मैंने P Q की P से वैल्यू लिया और वो Q डिराइव्ड हो गया, इट मीन्स बोथ आर दी सेम एलिमेंट, यानी दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा P is equal to Q, यानी उसे डिराइव किया और हमें Q मिल गया, क्लियर। तो जिसमें ऑप्शन आपका आएगा दैट इज P इज इक्वल टू Q, क्लियर। नाउ हम मेन टॉपिक्स पे आते हैं रिलेशंस। रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्मोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टर्मोलॉजीज है आपका ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं और उनसे लिखते कैसे हैं पहले एक देखें। ऑर्डर्ड पेयर को कभी भी हम शो करते हैं अपने इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप एक ब्रैकेट्स का यूज़ किया गया है, उस ब्रैकेट्स में एक कॉमा है, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक एलिमेंट्स का यूज़ किया गया ए एंड उसके बाद एक बी यूज़ किया गया है। जो ए है वो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट है, और जो कॉमा यूज करके राइट हैंड साइड में किया गया वो सेकंड एलिमेंट है, यानी वो सेकंड सेट से लिया गया है, क्लियर। तो अगर ये किसी स्पेसिफिक ऑर्डर्स में लिखे रहेंगे, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर्स में लिखे रहेंगे कोई भी सेट्स के एलिमेंट्स को, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यानी एक बार एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो अगर सपोज मैंने A इज इक्वल टू सेट लिखा 1, 2, 3 है और B मैंने इसे कंसिडर कर लिया A कॉमा B, यानी हमने एक सेट कंसिडर किया है A इज इक्वल टू 1, 2, 3 और एक सेट B कंसिडर किया है A कॉमा B। तो मुझे अगर ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट करना है, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑलवेज क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा जहां पर पहला एलिमेंट मैं सेट ए से लूंगा और दूसरा एलिमेंट मैं सेट बी से लूंगा, ठीक है। ऐसे जो फॉर्म करेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करते रहेंगे, यानी एग्जांपल के बेस में मैं 1, A कर सकता हूं, ठीक है, उसके बाद 1, B बना सकता हूं और मैं बना सकता हूं 2, A, इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं। यानी जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे दो सेट से तो आप ध्यान रखेंगे जो पहला एलिमेंट होगा वो एक सेट से लेंगे और दूसरा एलिमेंट जो होगा सेकंड सेट से लेंगे और इस तरह से आप ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाएंगे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्पेसिफिक ऑर्डर्स में आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आपके, नाउ हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को पहले देखते हैं कि किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स को लेंगे। अगर हमने टू नॉन एम्प्टी सेट्स कंसिडर किया हुआ है ए एंड बी, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है, आप जैसे भी कंसिडर कर लें। और ऑब्वियसली है अगर मैंने ए क्रॉस बी यूज किया हुआ है तो इनमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे हमने, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, एक ब्रैकेट होगा जिसमें एक कॉमा, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में जो आप एलिमेंट लेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो आप किससे लेंगे सेट ए से लेंगे और कॉमा के जो राइट हैंड साइड में होगा वो सेकंड एलिमेंट होगा, वो सेकंड एलिमेंट आप कहां से लेंगे सेट बी से लेंगे। अगर आप जो यहां पे ऑर्डर्ड पेयर निकालना चाह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का, तो
अगर बी क्रॉस ए है उस केस में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी से लेंगे और सेकेंड एलिमेंट सेट ए से लेंगे। तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लिखते हैं। नाउ ऑब्वियसली अगर दो सेट अगर हम कंसिडर करें नॉन एम्प्टी सेट में, तो ऑब्वियसली है जो उनका ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा, ए कॉमा बी होगा, और ए जो होगा फर्स्ट एलिमेंट से लिया जाएगा ए दैट इज सेट ए से, और बी जो एलिमेंट होगा सेट बी से लिया जाएगा। नाउ एक बार देखते हैं कैसे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किए जाते हैं। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो सपोज मैंने दो सेट्स लिया हुआ है, दैट इज ए एंड बी, दो सेट लिया हुआ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी अगर लिखेंगे तो उसको किस तरह से जनरलाइज एक्सप्रेशन को लिखते हैं, दैट इज ए कॉमा बी दैट इज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर हम बी क्रॉस ए लेंगे तो उस केस में जो ऑर्डर्ड पेयर आप लिखेंगे बी कॉमा ए लिखेंगे, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट बी से लेंगे और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से लेंगे, सेट ए से लेंगे। नाउ हमें क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या आते हैं सेट ए एंड सेट बी दिया हुआ है। सेट ए में तीन एलिमेंट्स है और सेट बी में दो एलिमेंट्स है। सेट ए में आपका ए 1 2 3 लिया गया है और सेट बी में ए कॉमा बी लिया गया है, क्लियर। नाउ मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है सेट ए एंड सेट बी का, ठीक है। तो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में जनरलाइज एक्सप्रेशन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं दैट इज ए कॉमा बी या ऑर्डर्ड पेयर इन सच दैट दैट इज ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एलिमेंट सेट बी। इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो मुझे कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ऑब्वियसली ये पहला एलिमेंट जो मैं सेट ए से लूंगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लूंगा, तो ऑब्वियसली है यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे ए आएगा, यानी ये सेट बी से लिया और फर्स्ट एलिमेंट मैंने सेट ए से लिया। और कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं, यहाँ पे 1 हो कॉमा हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। और कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, 2 कॉमा ए हो सकता है और 2 कॉमा बी पॉसिबल है, क्लियर। नाउ आगे भी फिर हम लिख सकते हैं 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी, दिस आर दी मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर विच आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, आप कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए मुझे लिखना हो तो ऑब्वियसली है अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा दैट इज बी कॉमा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो एक बार रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे इसे ए कॉमा बी, यानी जो पहला एलिमेंट किससे लेंगे, सेट बी से लेंगे, और सेकंड एलिमेंट किससे लेंगे, सेट ए से लेंगे। तो सेट बी से जो पहला एलिमेंट लेंगे ए कॉमा 1, क्लियर, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3 एंड लिख सकते हैं बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। तो ये आपके मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में लिखे जा सकते हैं। ना अगर आप देखेंगे दोज आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर, एक फिक्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो आप देखेंगे ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ये दोनों ही इक्वल नहीं है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट दोनों ही बराबर हो। आइए कुछ एक बार नोट्स देखें इसमें। तो अगर टू ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर है तो दोनों इक्वल कब किस कंडीशंस में होंगे, वो किस कंडीशंस में होंगे, अगर पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर से मिलता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर से मिलता होगा, तो अगर यानी इक्वल टू होगा तब उस केस में पॉसिबल होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ अनदर ऑर्डर पेयर एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल टू दी सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर। अगर ये दोनों ही बराबर होंगे तब पॉसिबल है, यानी एग्जाम्पल भी कोशिश करेंगे। तो अगर सपोज मैंने 1,1 लिखा हुआ है और एक ऑर्डर पेयर 1,1 लिखा है, तो ये दोनों बराबर हैं, उसी केस में इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके बराबर है और इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो इसके सेकेंड एलिमेंट्स के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। नाउ अगर देखें सम टाइम्स हम ट्रिपल ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी हम जो लिख रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, पर सम टाइम्स ट्रिपल ऑर्डर्ड पेयर अगर इस तरह से लिखे रहेंगे तो इसे ट्रिपल ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है। तो इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे ए बी सी होंगे, यानी तीन एलिमेंट्स होंगे,
वो तीनों ए से भी हो सकते हैं और अलग अलग सेट से भी हो सकते हैं, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस से भी मैं लिख सकता हूँ। क्लियर ना? अगर इस तरह से लिखेंगे यानी ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कहते हैं सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर अलग अलग सेट हैं तो उस केस में हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी आर सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट सी। हमें इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर ना? अगर सपोज ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का अगर नल है यानी फाई है, नल एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली है कि सेट ए में नल एलिमेंट्स होंगे और सेट बी में भी नल एलिमेंट्स, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं हो सकता। वो पॉसिबल तभी है जब ए में कुछ ना हो और बी में कुछ ना हो। फोर पॉइंट देखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर सेट ऑफ या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी, यानी अगर सपोज सेट ए में एम एलिमेंट है एंड सेट बी में एन एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बन सकते हैं, वो कितने बन सकते हैं, एम इंटू एन होंगे। तो ये एन और एम क्या, ये कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए है और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी है। और कितने एलिमेंट सेट ए में होते हैं वो एम से डिफाइन किया है, और बी में कितने होते हैं एन से डिफाइन किया है। तो मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर कितने बन सकते हैं, वो एम क्रॉस यानी एम इंटू एन बन सकते हैं। क्लियर? एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को हम मैपिंग के थ्रू या मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नाउ ऑब्वियसली है, मैंने वही प्रीवियस एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे ए एज सेट है और बी एज ए सेट है। ए में थ्री एलिमेंट्स हैं एंड बी में दो एलिमेंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का ये इतने आपके सेट्स बने हुए, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं। तो अगर इसे मैपिंग डायग्राम के थ्रू शो करना हो तो हम कैसे शो कर सकते हैं, यानी एक सेट ए है, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। सेट ए में आपका तीन एलिमेंट्स थे, वन टू थ्री, यहां से मैंने कॉपी किया। सेट बी में आपको पता है यानी कितने एलिमेंट है, दो ए बी। ठीक है, अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट और मैपिंग के थ्रू अगर समझना चाहूं तो क्या हो सकता है, ए कॉमा ए वन कॉमा ए हो सकता है और वन कॉमा बी हो सकता है, यानी ए जाके वन जाके तीर लगा ए को और वन जाके तीर लगा बी को, ये पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है। दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, टू कॉमा ए टू कॉमा बी। ठीक है, थर्ड केस क्या पॉसिबल हो सकता है, थ्री कॉमा ए एंड थ्री कॉमा बी। यही मैंने यहाँ पे जो सेट्स लिखे हुए ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं उसी को मैंने यहाँ पे एरो के थ्रू समझाया। दिस आर दी मैपिंग मेथड्स, यानी पहला एलिमेंट मैंने सेट ए से लिया और दूसरा एलिमेंट मैंने सेट बी से लिखा और उसको मैंने ऑर्डर्ड एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं उसे मैं मैपिंग के थ्रू कैसे समझा सकते हैं, ये मैंने मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ना हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस। ना रिलेशन से पहले हमने कुछ टर्मोलॉजीज डिस्कस किए थे, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप इजीली अब समझ पाएंगे रिलेशंस क्या होता है। रिलेशंस मीन्स एक सम स्पेसिफिक कंडीशंस, मीन्स सम स्पेसिफिक कंडीशंस। अब ये स्पेसिफिक कंडीशंस किसके किसके बीच में होंगी, दो सेट्स के बीच में होंगी, सेट ए एंड सेट बी के बीच में। ठीक है ना, एक बार देखते हैं। सपोज मैंने दो सेट लिया है, सेट एन ए एंड बी, दो आर नॉन वॉइड सेट्स, यानी दोनों में कोई भी नल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं है तो मैं कह सकता हूं सेट ए, अगर ए और बी से मैं रिलेट कर सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं ए इज रिलेटेड टू बी। तो अगर रिलेशन मैंने सेट ए और बी से मैं अगर शो करना चाहूं तो हम कैसे लिख सकते हैं, सेट ए इज रिलेशन टू सेट बी, यानी ए आर बी इस तरह से लिखते हैं, वेयर ए जो है सेट ए से एलिमेंट है और जो बी जो है सेट बी का एलिमेंट है। यानी कभी मैथमेटिकल रिलेशंस लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। नाउ अब ये रिलेशंस कैसे जनरेट हो रहे हैं एक बार हम देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो जितने भी रिलेशंस के जो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के, वो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के। नाउ देखते हैं, अगर सपोज मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने दो सेट ले लिए हैं जिसमें सेट ए में तीन एलिमेंट्स हैं 1 4 5, सेट बी में भी तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 3।
क्लियर। नाउ मैंने एक रिलेशन जनरेट करने की कोशिश की है ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी में, सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये जो कंडीशन है, ये जो क्या है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, यही कंडीशन जो है ए और सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन जनरेट करना है। मैंने पहले भी कहा था रिलेशन मीन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेट कर रहा है। वो रिलेट करने का कंडीशंस क्या हैं, यही रिलेशन का मेन कारण है, यानी यही कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन है तो कौन कौन से इसमें ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ एक बार चेक करेंगे इसमें, अगर ये कंडीशंस हैं तो आपके देखिए इसमें ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी की क्या वैल्यू रखेंगे कि वो ए के बराबर होगा। तो ऑब्वियसली है, अगर बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या लिख सकते हैं, 1,1 लिख सकते हैं। पहला एलिमेंट मैंने सेट ए से लिया है और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से लिया है। नाउ और कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर बी की जगह 2 रखेंगे तो 2² = 4 होता है, और b की जगह क्या है, a की जगह आप क्या 4 कौन सा ऑप्ट करेंगे, यानी आपका हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर 4, 4, 2। क्लियर, यानी ये स्पेसिफिक कंडीशन था जिसके वजह से ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिखा जा सकता है ना। और कौन से मैक्सिमम और भी ऑर्डर्ड पेयर कौन से पॉसिबल हैं वो देखेंगे, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आता है, और a में कहीं भी 9 प्रेजेंट नहीं है, तो यानी और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है, और हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यानी इस कंडीशन के बेसिस पे जो मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं वो 2 हैं यहाँ पे, 1,1 और 4,2 है। नो ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, यानी मैंने 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3 होगा, 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3, ये पॉसिबल मैक्सिमम कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। अगर ध्यान देखेंगे आप तो दैट इज आर, जो आर है दैट बिकम द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो आर है, यानी जो रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, दैट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मे बी इट बिकम इक्वल, यानी ऐसी कंडीशन हो वो ए क्रॉस बी के बराबर भी हो सकता है, पॉसिबल है, पर जनरली मैं सबसेट को इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं। तो यानी जो स्टेटमेंट है सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या था, यही रिलेशन था, ठीक है, यानी इस रिलेशन के बेसिस पे जो ऑर्डर्ड पेयर आए वो जो हैं सबसेट हैं किसके, ए क्रॉस बी के। नाउ इसी रिलेशन को एक बार मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सेम मैंने एग्जाम्पल लिया जो प्रीवियस अभी मैंने डिस्कस किया है, तो मैंने एक दो सेट कंसिडर किया, सेट ए एंड सेट बी, एलिमेंट भी सेम है, और मैंने सेम कंडीशन यूज किया गया रिलेशंस के लिए, दैट इज आर ए कॉमा बी से लिए, ठीक है, यानी सेट ए से सेट बी से जो रिलेशन मैंने यूज किया है वो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिया। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो रिलेशंस के बेस पे दो ऑर्डर्ड पेयर मेरे निकले थे, 1,1 और 4,2 है। अगर मुझे मैपिंग करनी है तो ऑब्वियसली है सेट ए, यानी जो पहला एलिमेंट है सेट ए से लिया जाएगा, और दूसरा एलिमेंट किससे लिया जाएगा, सेट बी से लिया जाएगा। क्लियर। नाउ अगर देखेंगे सेट ए से, यानी 1 को जाके 1 को 3 लगा, और दूसरा जो है 4 को 2 से लगा, यानी ये पॉसिबल केसेस हैं या ऑर्डर्ड पेयर्ड है इस रिलेशन के बेस्ड पे ये है। तो अगर मैंने सेट ए से सेट बी को रिलेशन मैंने जनरेट किया हुआ है, यानी आर डॉट ए सेट ए टू सेट बी, मैंने जो रिलेशन लगाया हुआ रिलेशन का क्या है, इट इज ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये इस बेसिस पे रिलेशन जनरेट हुआ। तो इस तरह से हम मैपिंग डायग्राम के थ्रू अपने रिलेशंस को शो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वही ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी से सेलेक्ट करेंगे जो इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो, और उसको ही हम पहला एलिमेंट होगा सेट ए से लेंगे और दूसरा एलिमेंट सेट बी से ऑर्डर्ड पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने इस लेक्चर में देखा, हमने वेन डायग्राम के थ्रू हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, और रिलेशंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैपिंग डायग्राम के थ्रू रिलेशंस कैसे शो करते हैं, हमने ये शो किया। नाउ इस लेक्चर्स में
हम इतना ही रहते हैं और अगले लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस कैसे होते हैं और मैपिंग डायग्राम के थ्रू हम एक बार फंक्शंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.